नवागत इंद्रगढ़ थाना प्रभारी राजू रजक ने संभाली थाने की कमान। थाना के स्टाफ और समाज सेवियों ने फूलमाला पहनाकर किया उनका स्वागत। कमान संभालते ही पैदल चलकर पूरे नगर का किया भ्रमण। लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की दी समझाइश। इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते वैश्विक महामारी से बचने के लिए लोगों को लॉकडाउन का पालन करना पहली प्राथमिकता रहेगी, जिससे लोगों के जीवन को सुरक्षित रखा जा सके। पैदल मार्च शीतला माता मंदिर भांडर रोड शीतला गंज मेन बाजार दतिया रोड से निकाला गया। पैदल मार्च में थाना प्रभारी राजू रजक, सब इंस्पेक्टर नंदिनी शर्मा, एसआई बीबीएस परिहार, एएसआई कोक सिंह रावत, संतोष कुशवाहा, ब्रजराज तोमर और पुलिस बल मौजूद रहा। इंद्रगढ़ क्षेत्र से एसआरबी पर श्यामू पंडा की रिपोर्ट। सर, आपका इंद्रगढ़ में आगमन हुआ है कल, तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपने जो थाना इंचार्ज का पद संभाला है और आपका दतिया में भी बहुत नाम था सर, सुना है आप बहुत एक्टिव और जागरूक और फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति हैं सर, तो आपको सर कैसा लग रहा है सर यहाँ के? दतिया बहुत अच्छा जिला है। दतिया में मैं अभी बिहार थाने में 2.5-10 महीने रहा, वहाँ का भी मेरे को पब्लिक का भी बहुत सहयोग मिला, मेरे अधिकारियों का भी बहुत सहयोग मिला है। अब मेरे को नया दायित्व दिया है यहाँ इंद्रगढ़ का, तो मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ यहाँ काम करूँगा। और जो अभी हमारी प्राथमिकता है कोरोना से निपटने की, लॉकडाउन के पालन कराने की, वो हम अपनी पूरी क्षमता से कराएंगे। और इसके बाद जो भी यहाँ अपराध हैं जिस तरीके के, वो अभी मैं देख रहा हूँ और उनके भी निराकरण के लिए उनके भी अंकुश लगाने के संपूर्ण प्रयास हैं। सर, नगरवासियों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? नगरवासियों ये है कि कोरोना के संबंध में लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि ये बीमारी बहुत विकराल रूप लेती जा रही है। इसलिए अपने को जागरूकता अपने आप में आना चाहिए। पुलिस सब कुछ नहीं करा सकती, इसलिए अपनी जागरूकता बहुत जरूरी है। और मैं पब्लिक से यही बोलना चाहता हूँ, यहाँ की जनता से, कि पुलिस को सहयोग करें, पुलिस आपको सहयोग करेगी। और किसी भी समय मेरे से उपलब्ध में हो मिल सकते।